वाराणसी के बेलूपुर थाना क्षेत्र के बैनथा इलाके से संचालित हो रही गुजरात की कृषि सामग्री बेचने वाली कंपनी ने डकैती का 1,40,00,000 का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच में लगभग 93,00,000 रुपए पुलिस ने बरामद किए थे। जिसकी जांच उच्च अधिकारियों ने की तो पाया कि पुलिस के संलिप्तता इस पूरे मामले में देखने को मिली, लिहाजा थानाध्यक्ष रमाकांत दुबे सहित 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। देखिए 29 तारीख की रात को 9:30 बजे के आसपास एक सूचना इंस्पेक्टर भेलूपुर को कथित रूप से मिली थी, जिसमें बैजनथा क्षेत्र में एक मकान में कुछ पक्षों के बीच में आर्थिक लेन देन को लेकर मारपीट, बवाल और छीना झपटी की सूचना पर पुलिस टीम वहाँ गई थी, जिसमें तत्कालीन इंस्पेक्टर भेलूपुर, उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर और 3 अन्य कांस्टेबल, कुल 7 लोग मौके पर गए थे। और कथित रूप से इसमें 2 दिन बाद लगभग 93,00,000 रुपए की रिकवरी एक नारंगी रंग की गाड़ी से हुई लावारिस अवस्था में। हम लोग लगातार प्रयास करने का प्रयास करते रहे कि ये पैसे किसके हैं और वो कौन व्यक्ति था। काफ़ी प्रयास के बावजूद शुरुआती दौर में कोई मिला नहीं। बाद में उसी क्रम में हम लोगों ने जो लगातार प्रयास किया तो एक पार्टी जो गुजरात अहमदाबाद की थी वो ट्रेस हुई, उनको बुलाया गया, उनसे तहरीर ली गई। तहरीर के आधार पर एक डकैती का मुकदमा एक नामजद और अन्य 10-12 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कायम किया गया। इसकी प्राथमिक जांच DCP काशी को दी गई। प्राथमिक छानबीन में पाया गया कि पुलिस की भूमिका अच्छी नहीं थी, तत्कालीन इंस्पेक्टर और उनके साथ के कर्मचारियों को जो कार्य करना चाहिए था उसे न करके मामले को दबाने का काम किया गया। और इनकी भूमिका को लेकर जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके आधार पर कल मेरे द्वारा इन 7 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में अभियोग दर्ज करके निष्पक्षता पूर्वक विवेचना कराई जा रही है। जो भी लोग अभियुक्त हैं और उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई। पुलिस इन्वॉल्व थी क्या, क्या पैसा वहाँ पर पुलिस द्वारा रखा गया, कैसे लेन देन का कुछ काम? नहीं, देखिए अभी तक पुलिस के इन्वॉल्व होने का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन पुलिस की भूमिका निश्चित तौर पर संदिग्ध थी। पुलिस को चाहिए था कि जो घटना हुई उसमें जो लोग सम्मिलित थे उसी समय तत्काल कार्रवाई करना चाहिए था, और पुलिस के सामने घटना होने की बात बताई गई कि पुलिस की भी मौजूदगी वहाँ पर थी। पुलिस ने संभवतः ये समझा रहा होगा कि आपस में लेन देन का मारपीट का विवाद है, लेकिन जो भी था उसको जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था वो नहीं किया गया। पुलिस की टोटल इमेज इससे प्रभावित हुई और थाना प्रभारी और उनके साथ के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। फिलहाल जांच प्रचलित है और जैसे ही जांच आख्या प्राप्त होती है अगर दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी वैधानिक कार्रवाई भी होगी, विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई। 40 लाख की बातें आ रही है लेकिन 93,00,000। हाँ, अब उसमें जो है जो शेष धनराशि है जो नामजद किया गया है अभियुक्त, गिरफ्तारी करके हम लोग शेष धन की भी रिकवरी करेंगे और इस स्रोत के बारे में भी जानकारी का प्रयास करेंगे कि पैसा किसका था, इतनी भरी मात्रा में कैश के रूप में किन परिस्थितियों में पड़ा था, कहाँ से आया था। तो जो भी सभी संभव जो एंगल हैं विवेचना के वो जाँच के विषय हैं और उनमें हमारी टीमें काम कर रही हैं। और गिर सकती है पुलिस वालों पर? नहीं, अब इसके अतिरिक्त और किसी के इन्वॉल्व होने के संबंध में अभी तक न कोई साक्ष्य है न कोई प्रमाण है। ये तो हम लोगों ने पुलिस की छवि को बेहतर बनाए रखने और पुलिस के कर्मियों में अनुशासन को मेंटेन रखने के इरादे से जिनकी लापरवाही थी प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध कार्रवाई की। नहीं, गुरु जी नहीं, वो अजीत मिश्रा नाम के व्यक्ति के विरुद्ध नामजद मुकदमा लिखाया गया है और उसके साथ कुछ और लोग थे, उसकी गिरफ्तारी के साथ ही ट्रेस हो पाएगा तथा अन्य स्रोतों से भी हम लोग जानकारी का प्रयास कर रहे हैं कि संपूर्ण घटनाक्रम में परिदृश्य में कौन कौन से लोग थे और पुलिस की क्या भूमिका थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।